नमस्कार, डीएस न्यूज के खास बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साथी लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी हुई एक कार, मोबाइल फोन, एक पेपर कटर किया बरामद। आपको बता दें कि वादी मोहम्मद हसी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद समीम ने निवासी टिकनिया मऊ जनपद लखनऊ द्वारा देवा थाना में तहरीर दी कि 8/8/2022 को रात्रि उसका पुत्र मोहम्मद हाफिज ओला की गाड़ी ऑनलाइन 3 सवारियों को चारबाग स्टेशन से रामस्वरूप डिग्री कॉलेज तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। वहीं रास्ते में माती के पास पेपर कटर मारकर जानलेवा हमला कर उसके धक्का मारकर गाड़ी लूटकर भाग गए। जब इसकी सूचना बाराबंकी जनपद के देवा पुलिस को मिली तो देवा पुलिस ने 5 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं दिनेश कुमार वर्मा जी की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आपको जानकारी है कि थाना देवा में 8 अगस्त को एक व्यक्ति के साथ में जो ओला कैब के ड्राइवर हैं, इनकी गाड़ी को बुक करके कुछ लुटेरों ने इनकी गाड़ी को लूट लिया था। इनको उसमें घायल भी किया था। ये लखनऊ के रहने वाले हैं, गोसाईगंज थाने के। थाना देवा में मुकदमा 406/22 धारा 394 में दर्ज हुआ था और हमारी पुलिस टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। हमारे एडिशनल एसपी नॉर्थ, सीओ सिटी, सीओ क्राइम और जनपद की स्वाट टीम और थाना इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे और इसमें पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। और इसमें घटना इस प्रकार से पता चली है कि ये 5 लड़के थे टोटल इसमें, जो उस दिन घटना करने 3 लोग गाड़ी में थे, जिन्होंने उसके साथ गाड़ी चाकू मार के गाड़ी को छीन लिया था। टोटल ये 5 लोगों का गैंग था। ये नई उम्र के लड़के हैं जो अपनी महंगे शौक को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएँ कारित करते हैं। अपने उन शौकों को पूरा करने के लिए इनका प्लान था कि उस गाड़ी को लूट लेंगे और उस गाड़ी को लूट के किसी व्यक्ति को बेच देंगे और जो उससे पैसा कमाई होगा उससे ये अपने शौक पूरे करेंगे। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने अब तक इस घटना में 5 लोग जो इसमें सम्मिलित थे, जो प्लानिंग और इस घटना को कारित करने में थे, उनको अरेस्ट किया है। जो लूटी हुई कार है स्विफ्ट डिजायर, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है और वादी का जो मोबाइल है उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। जो अभियुक्त है इनका नाम हिमांशु वर्मा, अंशु सिंह, विपिन गौड़, अविरल मिश्रा और फैजल इंसाफ। ये सभी लोग जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं। इन सभी को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी टीम को, जिसने ये बेहद अच्छा काम किया है, इस घटना को वर्कआउट किया है, उस पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। और आगे भी जनपद बाराबंकी में क्राइम के प्रति इसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस रहेगा और हम इसी प्रकार की घटनाओं को बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत विदाउट डिले हम लोग वर्कआउट करेंगे, ऐसा हमारा अश्योरेंस है। इसमें से एक व्यक्ति पहले भी लूट की घटना जो अभी तक पूछताछ में पता चला है कारित की है।